हाय हाय। हम घर से बेघर हो गए सिर्फ 3-4 दिनों के लिए, फिर जो है ना हमारा घर बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे दूसरा हमारा नल, दूसरा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों, हमारे टीयर गार्डर भी आ चुके हैं। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं जिस घर में नल लग रहा है हमारा। ये घर वाले ना यहाँ से बाल्टियां भर के ना इधर लेके जाते हैं इस घर में। तो फिर जो है ना इनके पास नल का सिस्टम वो नहीं था जी, और जिस बहन ने दिए हैं उन्होंने जो है ना कुछ हमें अमानत दी थी, तो इस बहन को जो है ना वो अमानत भी उनकी हम दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, और देखने वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाएं ख्वाहिशें कबूल करें। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआएं हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ ही करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। मुझसे क्यों पूछ रही हो आप? आगाज। हाँ जी, और जब आपको आता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो आप? मुझे मेरे चेहरे पे देख रही हो कि कैसे बोलना है? मैंने कहा ये आगे खुद बताएगा स्टेप का है, तो आपने कहा ही नहीं है। नहीं, मैं क्यों कहूँ भी, आपको नहीं आता क्या? नहीं। अभी बना रही है चाय, क्योंकि चाय जो है ना खाना मैंने दे दिया है मिस्त्रियों को पहले, अभी जो है ना बना रही है चाय। वैसे ना इतनी गर्मी होती है, मेरे खुद चाय बनाने को दिल ही नहीं करता। सॉरी, खाना बाद में देंगे, क्योंकि वो जो क्लिप था ना मैं पहले मैंने शूट कर लिया था, और जो इंट्रो है ना अभी मैं शूट कर रहा हूँ। खाना पहले मैंने दे दिया है, उसकी वीडियो भी मैंने बना ली है, लेकिन अभी आएगी वीडियो, आगे जब चलेगी ना वीडियो फिर आगे मैं दिखाऊंगा खाना देने जब कब जा रहा हूँ मैं। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं जिस घर में नल लग रहा है हमारा। हमारी एक हाईलैंड की बहन है, उन्होंने डोनेट किया था, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वो ये रिक्शे वाले हैं, अभी बोर कर रहे हैं अंदर, तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे अंदर, देखते हैं कि वो काम उन्होंने कहाँ तक पहुँचाया है। तो ये बोर करने के बाद एक और जगह पे चले जाएंगे, वहाँ पे बोर करेंगे, तो कल जो है ना फिर इस नलके को फिट कर देंगे और उस नलके को भी फिट कर देंगे। लेकिन आज जो है ना सिर्फ मैं बोर करवाऊँगा दोनों का, और थोड़ी सी और जो सेटिंग है वो करवा लेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अभी काम जो है ना स्टार्ट है। कैसे हैं भाई जान? काम ठीक चल रहा है माशाल्लाह? माशाल्लाह ठीक है जी। कितने फुट पहुंच चुका है नीचे? 60 फुट। 60 फुट? 70 फुट करना है ना? जी जी 70 फुट। ठीक है, 60 फुट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे इलाके में पानी जो है ना वो बहुत ज्यादा है नीचे है, तो इस वजह से ना बोर हमें नीचे करवाने पड़ते हैं। तो उसका जो है ना सिस्टम वो देख के सारा कुछ पाइप वगैरह और सारी जो सेटिंग होती है ना वो करनी पड़ती है। तो मशीन जो है ना हमें 10 फुट नीचे गहरी करनी पड़ती है, तब जाके पानी जो है ना वो नल का ऊपर खींचता है। अगर हम 10 फुट बड़ी मशीन ना करें ना, तो फिर वो उसमें ना गैस जो हत्थी बंदा चलाता है ना वो उसमें गैस पैदा होती है, और वो प्रेशर से ना बैक हत्थी मारती है, और उसमें बाजू टूटने का डर होता है। फिर इसलिए ना ये वो काम करते हैं जो अच्छा हो और पायदार हो और काफ़ी अरसे तक पानी देता रहे नल का। तो इसलिए ना मैं भी खुद भी अच्छा काम करवा रहा हूँ, ताकि बाद में जो है ना इन घर वालों को परेशानी ना भुगतनी पड़े, क्योंकि इनके पास नल नहीं था पानी का। तो फिर जो है ना जिन्होंने दिया है उनकी मेहरबानी, तो अभी जो है ना मैं इनको लगवा के दे रहा हूँ। तो मज़ीद जो है ना जब ये फिट हो जाएगा, फिर जो है ना जो हमारी बहन है जिनको हम लगवा के दे रहे हैं, फिर उनसे भी बात करेंगे। और जिस बहन ने दिए हैं उन्होंने जो है ना कुछ हमें अमानत दी थी, तो इस बहन को जो है ना वो अमानत भी उनकी हम दे देंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको जाना दिखाएंगे वो। अरहम, आप इधर किधर आ गए हो? वो भागता हुआ आ रहा है इधर। आप अकेले आ गए हो इधर? हाँ, आप इधर अकेले आए हो? अच्छा, कैसे आए हो अकेले? हाँ, मुझे ढूंढने के लिए आए थे। अच्छा, मैं तो फिर नहीं था यहाँ पे, था? मैं तो उधर था, उधर पे। हाँ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आओ। ये क्या उठाया होगा? धागा? पतंग उड़ाओगे? हाँ। बड़े नोटी हो भी आप, तो पतंग उड़ाते हो। मुझको वो बना दोगे? क्या पतंग बना के दूँ? हाँ। मैं अभी काम कर रहा हूँ ना उधर, आपको मैं कैसे पतंग बना के दूँ? चलो कल बना के दूंगा, ठीक है।
अब अम्मी दिखाऊं मैं आपको, है? वो उधर देखो वो खड़ी है दरवाजे के साथ, दरवाजे के साथ? हाँ हाँ उधर वो खड़ी है सामने, यहाँ से नजर नहीं आ रही मोबाइल में। अभी चलो दिखाता हूँ मैं आपको, उधर वो सामने खड़ी हुई है, हमें बुला रही है कि आप इधर आओ। पता नहीं क्यों बुला रही है, इसको मुंह झाई हुई है, पता नहीं क्या आई हुई है। लेकिन मैं अभी काम करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी छतें तो डलने वाली हैं, उसकी मसरूफियात हैं। और दूसरा मैं जो है ना इधर उधर भाग दौड़ जो है ना वो भी बंदे को काफ़ी थका देती है। तो जो है ना टायरें वगैरह मैं लेके आया हूँ, उसके बाद मजीद और भी काम थे वो भी मैंने सारे किए हैं। तो अभी जो है ना यहाँ पे मामू का रिक्शा फंस गया था, आधे हमारे टीयर गार्डर जो है ना यहाँ पे उतार के ना चला गया है, और टायरें जो है ना अभी छोड़ने के लिए गया है उधर, वो वहाँ पे उतार रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं उधर समीना के पास, है ना हम, वो देखो वो सामने खड़ी हुई है। हाँ अभी देखें मौसम कितना प्यारा हो चुका है, माशाल्लाह जबरदस्त, अभी बादल बने हुए हैं हम ऊपर। हाँ चाचू के घर के साथ खड़ी हुई है, ये छोटे टियर भी हमारे हैं, बड़े भी हमारे हैं। हाँ जी क्या कहना था आपने, इधर दूर से इतना हमें बुलाया है आपने? मैंने ये पूछना था कि टियर गार्डर कितने के आए? जितने के आए हैं बस, ठीक है। अब लेना तो था ना आपको, पता नहीं, है वैसे भी ज़्यादा महंगे हैं ना। हाँ ठीक है, बस अब्बू ने कुछ रखवा दिए हैं पैसे, कुछ मैंने दे दिया था। तो ये वैसे 2 महीने के उधार पे मैंने लिए हैं, तो आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे बाद में देंगे उनको। कर लिया वो मलिक इरफान नहीं है जो पुलिस वाला है, उसकी रेफरेंस से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर बाद में दे दीजिएगा आधे पैसे 2 महीने के उधार पे। मतलब किस्तों जिस तरह 1 महीने के बाद कुछ देंगे, 1 महीने के बाद कुछ दे देंगे उनको। हाँ हाँ मलिक इस्लाम तुम का बुरा है ना? मलिक इस्लाम? हाँ इरफान, इरफान है वो। इरफान भाई हैं वो पुलिस वाले हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया था, फिर वो शॉप पे आ गए थे। जिस शॉप से मैंने टीयर गार्डर उठाए हैं ना, वो शॉप वाला उसका दोस्त है गहरा, तो उसने ना कहा था। अच्छा देता हूँ मैं। अब्बू से इसने 50 रुपए लिए हैं। सच? किधर गए हैं फिर पैसे बाकी? गुम गए हैं, सुनो इसके काम, पैसे गुम गए हैं। अभी मैं इधर उधर काम करवा रहा था, तो जो है ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया रोटी देने के लिए मिस्त्री भाइयों को, और मिस्त्री भाई ना बहुत परेशान थे कि अहमद पता नहीं कहाँ चला गया है ना भाई जान। ज्यादा लगी हुई है हमें। हाँ यार मुझे आप ना बता देते ना, फिर मैं जल्दी आ जाता, मिस कॉल वगैरह दे देते मुझे, क्योंकि जब हम टीयर गार्डर कटवाने के लिए गए हैं तो उन्होंने काफी सारी देर करवा दी हमें। तो अभी आप खाना वगैरह खा लें, उतर आए भाई जान, खाना खा लें। और रोशनदान भी ना आए हुए हैं ये वाले, और मैं लेके आया हूँ इनके साथ वाले, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों हमारे टीयर गार्डर भी आ चुके हैं, और इधर टाइल भी हमारी आ चुकी है छत वाली, कुछ ये पड़ी है और कुछ ये पड़ी है। ये मैंने बरामदे की और जो हमारी साथ की किचन वाली कोठी है उसके लिए टाइल मंगवाई है, और बकाया जो टाइल है ना हमारा ओल्ड कमरा और उसके साथ वाला कमरा उसकी जो टाइल है ना वो हमने ऑलरेडी पहले से ली हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये भी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा, ये भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना उधर जो बोर कर रहे हैं ना नलके वाला, तो उनको भी देखते हैं जाकर के वो कहां तक पहुंचे हैं। और अभी मैं उससे पहले ना चाय देता हूं इधर मिस्त्रियों को, तो वो जो जहां पे ना मैं वो नल लगवा रहा हूं, तो वहां पे जो है ना एक बाजी है, वो जो मिस्त्री है ना वहाँ लगे हुए उनको चाय बना के पिला रही है, तो उसकी बहुत बहुत मेहरबानी कि वो चाय पिला रही है। तो वैसे मैंने उनको मना किया था क्योंकि वो बहुत गरीब हैं बेचारे, तो मैंने उनको कहा कि आप तकल्लुफ ना करें, आप ना पिलाएं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं चाय हम पिला देते हैं। तो मैंने कहा चलो जैसे आपका दिल करे, तो फिर जो है ना वो पिला रही हैं चाय। ये देखें जी अली और अरहम जो है ना वो साइकिल पे खेल रहे हैं, अली साइकिल चला रहा है आगे और अरहम को झूले झुला रहा है। अरहम ख्याल किया करो अपने पाँव का, कभी साइकिल में ना दे देना पाँव व्हील के अंदर। अली आप भी ख्याल किया करो ठीक है इसका, ठीक है ना, ऐसे ना हो के वो फिर इसके अंदर ना चेन के अंदर पाँव दे दे, ठीक है अरहम आप भी ख्याल किया करो। ओ मैडम साहब पीछू आ गई है,
मैं ना सोच रही थी कि मैं चाय बनाऊं। अच्छा फिर आप चलो ठीक है चाय बना लो फिर। तो जी एक नल का जो बोर है ना वो मिस्त्री करके आ गए हैं, बाकी एक दूसरा बोर जो है ना वो हम करवा रहे हैं इस घर में। ये सामने आपको घर नजर आ रहा है, इस घर में हम बोर करवा रहे हैं। तो ये घर वाले ना यहाँ से बाल्टियाँ भर के ना वहाँ से बाल्टियाँ भर के ना इधर लेके जाते हैं इस घर में। तो फिर जो है ना इनके पास नल का सिस्टम वो नहीं था, तो फिर मैंने ना जब वो हमें हमारे पास नल के पैसे एक बहन ने डोनेट किए अपने अम्मी अब्बू के साले सवाब के लिए, तो फिर मैंने तीन चार जगहें देखी, घर देखे जिनके पास नहीं था ये सिस्टम। तो मैंने डिसाइड किया कि एक तो घर यहाँ पे डिसाइड हो गया, उसके बाद जो है ना एक वो जो घर जो माजूर हमारी बहन है जिसके पांव मुड़े हुए थे वो चल नहीं सकती, मतलब चल सकती है बिल्कुल ऐसे चल सकती है जिससे बस मतलब ना चलने वाला बंदा हो इतना चलती है वो बेचारी। तो एक हमने उधर लगवाया एक इधर लगवा दिया, दो हो गए। तो जो है ना बाकी बचेगा बाकी बचेंगे दो नल, तीन नल उस बहन ने दिए थे, एक नल हम खुद अपने तरफ से वो जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो हम लगाएंगे। तो चार नल के फिलहाल हमारे पास गुंजाइश थी, तो दो तो हमारे इंशाल्लाह अब लग जाएंगे, बाकी बचेगा एक दो बचेंगे बाकी, तो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो भी हम किसी के ना किसी अच्छी जगह पे देख के वो लगवा लेंगे। एक तो मस्जिद का है, तीसरा एक मस्जिद है वहाँ पे नमाज भी पढ़ते हैं बंदे, लेकिन वहाँ पे पानी का सिस्टम नहीं है। एक घर है वहाँ से जो है ना वो लोटा वगैरह भर के ना जो पानी नमाज पढ़ने वाला बंदा होता है उसको देते हैं, तो वो वजू करके नमाज पढ़ता है, तो वहाँ पे नल का नहीं है। तो एक मस्जिद में उस मस्जिद में लगवा देंगे, वहाँ पे पानी की ज़रूरत है क्योंकि जो आएगा बंदा नमाज पढ़ेगा वजू करेगा तो वो सवाब होगा, तो एक उस जगह पे इंशाल्लाह लगवा देंगे। तो अभी जो है ना हम पहुँच चुके हैं इस घर में और ये बहुत ही ओल्ड मस्जिद है हमारी। तो यहाँ पे भी देखें हमने खुद ही मतलब यहाँ पे ये सिस्टम बनाया हुआ है, एक क्यारी सी बनाई हुई है और ये मस्जिद है। तो इंशाल्लाह 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 इस मस्जिद को भी ना हम शहीद करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने अगर हमें फुर्सत दी तो इस मस्जिद को भी बनवाएंगे इंशाल्लाह। मैंने आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने कुछ सामान इसमें लेके अंदर रखा था, जिस तरह इसका दरवाज़ा हो गया ना वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है लेके। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं इस मस्जिद को ना शहीद करवा के एक ना एक दिन मैं इसको बनवाऊँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो, अगर अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी रखी तो इंशाल्लाह मैं जो है ना ये अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मैं ये करूँगा इंशाल्लाह। तो जो है ना इस मस्जिद को सेट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको पता है मेरा दिल जो है ना वो ऐसा है कि मैं बस कहता हूँ कि बस मैं अगर 10 रुपये कमाऊँ ना तो मेरा दिल ये है कि मैं अगर 10 रुपये कमाता हूँ ना तो मेरा ईमान है मेरा दिल ये है कि मैं उसमें से 10 रुपये में से जो है ना 6-7 रुपये मैं दे दूँ, तो बाकी जो 3-4 रुपये हैं मतलब मेरा दिल ये है कि मैं कम खाऊँ खुद और ज़्यादा मैं दूँ, तो ज़्यादा मैं अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करूँ, ऐसे काम करूँ जिससे मेरा रब राज़ी हो, ऐसे काम करने में मेरा जो है ना वो दिल करता है। तो इंशाल्लाह इस मस्जिद को भी हम सेट करवाएंगे, क्योंकि इंसान के अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, तभी जो है ना वो काम होते हैं। ये देखें अरहम भी ना इधर आ गया है अली के साथ साइकिल के ऊपर हैं। अरहम आप भी आ गए हो, अच्छा वाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी ना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे दूसरा हमारा नल, दूसरा है ना भाईजन? हाँ, तो इंशाल्लाह बाकी दो नल जो है ना वो इंशाल्लाह कल इसकी फिटिंग होगी, उसके बाद जो है ना दूसरा नल, अगर आपको तीसरा नल अगर टाइम मिले आपको तो वो उसका बोर कर दीजिएगा, वरना जैसे आपको दिल करे परसों वाले दिन, वरना दो बोर और कर दीजिएगा। जगह डिसाइड की हुई है, एक उत्तेरा में करना है मस्जिद का, ठीक है, एक उधर एक बेवा औरत है उसका करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी काम कंप्लीट हो जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह जी खरगोश कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और यहाँ बड़े भी हैं, और क्या हैं? सीहड़, खरगोश को सीहड़ कहते हैं, पागल। आप हाथ लगाते हो इनको? लगाओ हाथ, कैसे लगाते हो? भाग जाएंगे ना, ये बहुत नोटी होते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, बस भाग गए हैं
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अभी मजीद काम जो है ना वो स्टार्ट है। और इधर मिस्त्री साहब देख के मुझे हंस रहे हैं कि ये इधर से आ जाता है, कभी इधर से आ जाता है, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है सारा दिन। क्यों खेल रहे हो मिस्त्री साहब? काम कर रहे हो ना। अच्छा चलें ठीक है ठीक है, खिलें खिलें, क्योंकि खिलने से ना जान बनती है इंसान की, इंसान के अंदर ताकत आती है हंसने से, इंसान का दिल खुश खुश रहता है। तो मैं भी आपको पता हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ कि जितने भी दुख सुख आए ना फिर मैं भी हंसता रहता हूँ। चलें कोई बात नहीं, दुख सुख आने वाली चीज़ होती है, जाने वाली चीज़ होती है, चली जाएंगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, प्यारे बहन भाइयों, ये साइड और ये साइड हमारे कमरे की वो कंप्लीट हो चुकी है, बाकी ये दीवार और ये दीवार रहती है, तो इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर जो है ना आपको दिखाएंगे जब इसकी छतें डलेंगी, तो मजीद काम अभी स्टार्ट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये नलके की हथी, नल की और नल लेके उधर उनको देते हैं और वो फिक्स करेंगे वहाँ पे। तो ये देखें कैसे कैसे माहौल अभी बिखरा बिखरा सा है, लेकिन कुछ दिनों तक जब बन जाएगा ना फिर बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना नल है मेरे वाला जो मेरे घर में लगा हुआ था, तो अभी जो है ना लाइट भी नहीं थी वहाँ शहर में, क्योंकि जब ये बनाते हैं ना इस तरह की फ्रेम तो इसके अंदर एक सरिया डलता होता है जिससे पानी ऊपर आता है, तो वो सरिया जो है ना वेल्ड करना पड़ता है। तो फिर ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये यहाँ पे जो है ना आप फिक्स कर दो। तो वैसे जो मशीन होती है ना ये वाली लोहे की यहाँ तक होती है, तो यहाँ पे हमारे इलाके में पानी जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, कम हो गए हैं, तो इस वजह से ना हमें मशीन लंबी करनी पड़ती है ताकि पानी जो है ना वो साफ साफ और पूरा पूरा भर के आए नल में से। तो इसका जो है ना फिर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाता है इस पाइप का। तो फिलहाल जो हम जितने भी लगवाएंगे ना मशीनें, हम इस तरह की बड़ी मशीनें लगवाएंगे ताकि जिसके घर भी लगवाएं हम उसको बाद में कोई मसला मसाइल ना हो, ताकि वो आसानी से चलता रहे नल। क्या हो रहा है ये हैं? शर्मा क्यों गए हो आप? कुछ नहीं हो रहा हैं? आप किधर आ गए हो? इधर उधर जाओ ना आप खेलने के लिए अपनी अम्मी के पास। अकेले जाओगे? चलो ठीक है जाओ। तो जी अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, सुबह से ना आ तो रहा हूं लेकिन मैंने मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी ना मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे खाना खाना। मेरा सालन भी ठंडा हो चुका है और उसके बाद हमारी रोटी भी ठंडी हो चुकी है। वो चॉकलेट बना लिया है। अच्छा चॉकलेट बना रही है, चलो ठीक है खाने दो उसको चॉकलेट। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्यारे बहन भाइयों, काम वगैरह जो है ना मैंने काफ़ी सारा निपटा लिया है और उसके बाद जो है ना अभी मैं आ गया हूँ घर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर जो है ना चारों तरफ जो चुनाई थी ना वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब चुनाई बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। सुबह सुबह आकर ये लोग इंशाल्लाह ये कमरों के जो ऊपर टीयर गार्डर होते हैं ना वो डालना शुरू कर देंगे, और टाइलें वगैरह सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया हुआ है, टाइलें वगैरह बिछा देंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो, अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी तो सारा काम जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर बाकी बचेगी लिपाई वगैरह, तो वो शापर अभी लेना है ऊपर, जब हम शापर रखेंगे ताकि बारिश में टपके ना हमारे कमरे, तो शापर डाल के उसके बाद जो है ना ऊपर गारा डाल के, पहले जो है ना वो खुश्क मट्टी डाली जाएगी, उसके बाद जो है ना गारा डाल के उसकी लिपाई की जाएगी अच्छे तरीके से, ताकि हमारे कमरे जो है ना वो बारिश में टपक ना पड़े। तो इंशाल्लाह जब कल आएगी तो फिर कल भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी देखें यहाँ कमरे के ऊपर ना देखें कितने प्यारे प्यारे बादल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ऐसे कैमरा किया ना सामने वो नज़र आ रहे थे बादल, तो फिर मैंने आपको भी दिखाया। तो ये देखें अभी फिलहाल तो हमारी 4 दीवारी अभी हमसे छिन गई है, मतलब हमारे छत की जो छत है ना वो अभी फिलहाल छिन गई है 3-4 दिन के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह जब बन जाएंगे फिर हम दोबारा इसमें आ जाएंगे। तो आज का दिन हमें अम्मी वालों के घर सोना पड़ेगा। समीना को मैं जो है ना यहाँ पे आ जाऊँगा क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पे सोना है, क्योंकि हमारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे। हो सकता है समीना भी आ जाए, हम बाहर 4 पहिया डाल के वहाँ पे सो जाएं, को तो जो इरादा है ना हमारा यही है कि हम बाहर 4 पहिया डाल के ना सो जाएंगे। तो
तो फिर सुबह हम दोबारा अम्मी वालों के घर चले जाएंगे। अभी यहाँ से ना इतना बारिश बनी हुई है ना बहुत ज़्यादा, अभी मैं देख के ना डर रहा हूँ क्योंकि हमारा सामान वगैरह बाहर पड़ा हुआ है, तो अभी से मुझे खौफ आ रहा है इसको देख के कि हमारी फ्रिज भी बाहर पड़ी हुई है और हमारा सारा सामान तकरीबन ना बाहर पड़ा हुआ है। तो जो लकड़ी का सामान है ना, आपको पता फर्नीचर वगैरह, ये जब बारिश होगी ना तो ये सामान जो है ना वो गल जाएगा, मतलब एक संग फूल जाएगा, फूल जाती है लकड़ी जो होती है। तो उसके बाद फ्रिज भी हमारी बाहर पड़ी हुई है, तो इसका भी ना डर है कि ये भी ख़राब हो सकती है। अभी देखें बादल जो है ना, नीचे जो है ना वो काले काले बादल हैं और ऊपर जो है ना वो हल्के से वाइट हैं और ये ऐसे ऊपर आ रहे हैं, आसमान पे आ रहे हैं इधर। तो अल्लाह पाक करम करे, दुआ भी करेंगे कि बारिश ना आए, अगर आ भी गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होगा। और हमारा सीमेंट भी ना वो पड़ा हुआ है सामने, ऊपर छत भी नहीं है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो अल्लाह पाक हम सब पे जो है ना करम करे। और हमारे मुल्तान वाली साइड पे वो ओले पड़े हैं, जो ओले होते हैं ना बहुत ज़्यादा पड़े हैं। और कल रात को ना 10:30 बजे ये है ना लाहौर वाली साइड पे, पिशावर इस साइड पे ना बहुत ज़्यादा जलजिला आया है, शदीद जलजिला आया है। तो अल्लाह पाक हम सब पे, मुसलमान पे और हर इंसान पे अपना ख़ास करम करे और हमें इस नागहानी आफातों से जो है ना अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।